सबसे पहले ये वो जो है ये हाईमैन के नाम से बीमारी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूँ शराफत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनिमल व्लॉग्स। जी तो कल हमने कुछ जो है वो अकसाम पढ़ी थी बांझपन की जानवरों में, तो आज हम जो है उनको मज़ीद आगे प्रोसीजर करते हैं जी बगैर किसी देर के। तो हमारे पास सबसे पहले जो है जी वो आज की जो सबसे पहले जी वो जो है ये हाईमैन के नाम से बीमारी है जी। तो इसमें ये होता है कि आपको पता है मादा जो है ना इसके फ्रिज में रैम में ये एक पर्दा होता है जो कि आमतौर पे जमा के दौरान जो है जी वो नर के वजू खास से जो है वो टूट जाता है। लेकिन कभी कभार ऐसे ऐसे होता है कि कुछ मादा जो है उनमें ये पर्दा जो है इतना मज़बूत होता है कि वो जमा के दौरान भी नहीं फटता और उसकी वजह से वो दोबारा हीट में नहीं आ सकती। इसे कहते हैं हाईमैन। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो है ये अगली बीमारी है ये उसे कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ये जब ये मादा के रहम में मौजूद होगा तो इसकी वजह से भी जानवर जो है वो वेग तक जो है वो नहीं आ सकता। होता कुछ यूँ है कि कॉर्पस ल्यूटियम असल में पैदा कैसे होता है? असल में कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये वो आपके पास जब आप उस मादा से ज़्यादा काम लेते हैं, जिस्मानी वर्क लेते हैं या बहुत देर तक जो है वो किसी भी नर के साथ या उसका मिलाप नहीं होता तो उसके खास अज़ा जो हैं उजू जो हैं ऑर्गन जो हैं वो इस हालत के लिए तैयार नहीं होते और मुसलसल सारी ज़िंदगी के लिए जो है वो काम छोड़ जाते हैं। इसके बाद ये वो हमारे पास है आपके पास ये इसके बाद हमारे पास आता है जी कि बच्चे का रहम में मर जाना। ठीक है, इसमें ये होता है कि इसकाते हमल नहीं होता। ठीक है, जानवर जो है वो अंदर ही मर जाता है बच्चा जो है, तो उसकी वजह से उसके गोश्त के टुकड़े या कोई ना कोई गदूद अंदर रह जाती है जिसकी वजह से जानवर जो है हीट में आने से कासर हो जाता है। तो जी इंशाल्लाह मतलब कल की वीडियो में हम आगे देखेंगे कि इसका इलाज क्या है। रैम में सोजिश हो जाए तो उसे कैसे करना चाहिए या सोजिश रैम में हो तो किस किस तरीक़ों से यह निकाली जा सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी अपने जानवर को लाहक है बांझपन की तो किसी अच्छे डॉक्टर से जो है वो आप मशवरा लें, उनसे जो है वो कॉन्टैक्ट करें और उन्हें दिखाएं। कल की वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।